वेलकम एवरीबॉडी टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ आवर पेपर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। और इससे पहले जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, एंटीना एरे के बारे में बात कर रहे थे, और ये सब से हम फेमिलर हो चुके थे कि एंटीना एरे क्या होता है, किस तरह ये वर्क करता है, क्या जेम्सन्स हैं। ओके, एरे का मतलब होता है कुछ समथिंग सम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, फंक्शंस और नंबर्स और सबस्टेंसेस। ओके, और एंटीना एरे से क्लियर है कि ये अरेंजमेंट होगा, एक डेफिनेट एक अरेंजमेंट होगा एंटीनाज का। एंटीनाज के अरेंजमेंट को ही हम एंटीना एरे बोलते हैं। ओके, एजम्पशंस हमने कर ली थी एंटीना एरे के बारे में। हम बात कर रहे थे कि अगर वन डायमेंशनल एंटीना एरे है तो उसको हम लीनियर एरे भी बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल एक्सिस था, तो अगर केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही बहुत सारे एंटीना एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं और वो सब के सब आइसोट्रोपिक एंटीनाज हैं, एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, इनकी जो इंटरनल इम्पेंडेंसीज हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है, इन एलिमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो एंटीनाज हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये डेफिनेटली एक एंटीना एरे को फॉर्म करेंगे। और इस तरह के जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अलाइनमेंट हों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अरेंज हों एंटीनाज, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लीनियर एरे और वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। वहीं अगर किसी प्लेन में, किसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर जो हमारे एंटीनाज हैं वो प्लेस्ड हों, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बल्कि इस फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ से हम इस तरह से इसको कर सकते हैं ताकि ये और बेहतर दिख सके। इस फिगर को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा, और वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं ताकि ये सही तरीके से प्लेनर एरे दिख सके। इस वजह से इस फिगर को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं, और इसको रीअरेंज हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे हम ये एंटीना एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं। और अब आपको ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एलिमेंट्स जो हैं इस एक्स वाई प्लेन में अरेंज हैं, और ये जो जेड एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये जो एलिमेंट एरे है, इस तरह के एलिमेंट एरे को हम एक प्लेनर एरे बोलते हैं। ओके, तो आगे के डिस्कशन शुरू करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड दिस लेक्चर। सो एंटीना एरे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी डिस्कशन को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो वन डायमेंशनल किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर एंटीना एलिमेंट्स अरेंज है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे या लीनियर एरे। और अगर किसी प्लेन में एंटीनाज का अरेंजमेंट है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेनर एरे। सो एन एंटीना एरे इज अ रेडिएशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप्ड रेडिएटर्स और एलिमेंट्स। ये एंटीनाज ही आप ही नहीं कह सकते, रेडिएटर्स भी एलिमेंट, एंटीना ही है, और एलिमेंट्स उन एंटीना एलिमेंट, ये जो ये सब के सब, ये सब के सब, इन्हें आप रेडिएटर्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। दे आर प्लेस्ड क्लोज टूगेदर सो एज टू बी विद इन ईच अदर इंडक्शन फील्ड। दे देयर फोर इंटरैक्ट विद वन अनदर टू प्रोड्यूस रिजल्टिंग रेडिएशन पैटर्न दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, तो जो यहाँ रेडिएशन पैटर्न आपको दिखेगा इस प्लेनर एरे की वजह से, वो इसका रेडिएशन पैटर्न, इसका रेडिएशन पैटर्न, इसका रेडिएशन पैटर्न, और इन सब के रेडिएशन पैटर्न का वेक्टर सम के इक्वल होगा। ओके, और ये फिनोमेना हम ग्राउंडेड एंटीनाज में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम वेक्टर सम लेते हैं, एक डायरेक्ट वेव जो एंटीना से गई है और एक रिफ्लेक्टेड वेव।
वेदर रीइंफोर्समेंट और कैंसिलेशन, ये इनका, ये जो यहाँ से एमिट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक दूसरे को रीइंफोर्म करेंगी या फिर कैंसिल करेंगी, वो किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में देख लेते हैं। वेदर रीइंफोर्समेंट और कैंसिलेशन टेक्स प्लेस इन एनी गिवन डायरेक्शन इज डिटरमाइंड ओनली नॉट ओनली by the individual characteristics of each element but also by the spacing, that is distance between the elements measured in wavelengths and phase difference, if any, between the various feed points where energy feed to the element in the form of electric current. Okay, to jo hame resulting em waves ya resulting radiation pattern yahan se milne wala hai wo keval is baat par depend nahi karta ki ye element kaisi em wave ko radiate karega, wo is element ke vector sum ke barabar hogi ya nahi, balki is baat par bhi depend karta hai ki in elements ke beech ki spacing kitni hai, equal hai ya nahi, ya to fir जो इनके इनके बीच में जो फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस किस में होगा, करंट की फॉर्म में होगा, यानी जो फीड इन्हें दिया गया है, एनर्जी फीड कहिए, एनर्जी फीड करने से मतलब है कि जो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, एंटीना ट्रांसमीटर से क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट आता है, जो कहाँ जाता है, एंटीना के पास जाता है, तो वो एनर्जी जो हम एंटीना को एक्चुअल फीड कर रहे हैं वो करंट की फॉर्म में हम दे रहे हैं, करंट की फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो वो करंट इस एलिमेंट के लिए या इनमें से किसी भी एलिमेंट के लिए एक ही फेज में करंट, एक जैसा करंट यहाँ सप्लाई हो रहा है, या फिर अलग अलग फेज डिफरेंस के साथ यहाँ करंट सप्लाई हो रहा है, इस प्लेनर एरे की बात करें या सिंगल डायमेंशनल एरे जो हम लीनियर एरे जिसे कहते हैं उसमें, ये इस बात पर डिपेंड करता है, यानी इनका जो रेडिएशन पैटर्न है, इनका इन एलिमेंट्स का, इन सब एलिमेंट्स का जो रेडिएशन पैटर्न है वो इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो डिपेंड करता ही है, बल्कि इसके साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो रेडिएटर्स हैं, ये जो एंटीनाज हैं, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है जो वेवलेंथ में मेजर की जाती है, और इनकी जो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं, और फेज डिफरेंस किस में होगा, मैंने कहा कि फेज डिफरेंस हमेशा करंट में होगा, क्योंकि जो एनर्जी हम एंटीना को फीड करते हैं वो एक आरएफ करंट की फॉर्म में फीड करते हैं। ओके, सो इट इज पॉसिबल टू यूज एन एरे टू ऑब्टेन एन ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज जनरली ट्रू टू से दैट एचएफ, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी एरेज, आर मोर लाइकली टू बी यूज टू ऑब्टेन अ डायरेक्शनल बिहेवियर rather than to create a omnidirectional pattern. देखिए, इन lines का मतलब यही है कि अगर हमारे पास तो isotropic antenna पहले से ही मौजूद था, एक ऐसा antenna जो omnidirectional nature का हो, यानी हर direction में वो antenna equal strength की electromagnetic waves को radiate कर सके, लेकिन ये ideally हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एंटीना एरे का जो रेडिएशन पैटर्न का नेचर हो वो ओमनी डायरेक्शनल नेचर का हो, लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है, लेक्चर्स को आप देखें इससे पहले वाला, कि जो एंटीना एरे के पीछे कंसेप्ट काम करता है, जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट में एंटीना एरे आया, वो इस आइसोट्रोपिक नेचर को, ये जो आइसोट्रोपिक नेचर है इस एंटीना की, जिसको हम आइसोट्रोपिक एंटीना कहते हैं, जो ओमनी डायरेक्शनल नेचर है इस एंटीना की, उसको डायरेक्शनल नेचर में कन्वर्ट करने के लिए ही तो हम एंटीना एरे को कंसेप्ट हमारी स्टडी में आया है। तो अगर इसके हमें ओमनी डायरेक्शनल नेचर को ही यूज करना था तो क्यों हम एंटीना एरे जैसी किसी कंसेप्ट पे बात करते, फिर तो हम सीधे कह देते कि भाई ये आइसोट्रोपिक एंटीना और इसकी ओमनी डायरेक्शन नेचर होते ही है, इस डायरेक्शन में सभी डायरेक्शंस में इक्वल स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करेगा, तो इस नेचर को हमें यूज नहीं करना। एक्चुअली ट्रूथ इज दैट वी वांट टू यूज द डायरेक्शनल नेचर
of this isotropic antenna. That's why antenna array, this type of topic comes into our interest. Okay, तो antenna array का सीधा meaning यही है, antenna array के arrangement का यही meaning है कि किस तरह से हम किसी isotropic antenna की directional nature को use कर सकें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ, और जो आगे की तरफ सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको करना है वो करना है पैरासिटिक एलिमेंट्स से। ये पैरासिटिक एलिमेंट्स एक्चुअली क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं जब आप आगे के एंटीनाज, लूप एंटीनाज, एरियल एंटीनाज या यूडा एंटीनाज को स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है कि एंटीना एरे क्या है, एक ग्रुप ऑफ एंटीनाज है, एक एंटीना, दूसरा एंटीना, तीसरा एंटीना, चौथा एंटीना, पांचवा एंटीना, इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप हर एंटीने में फीड दें, एनर्जी को फीड करें। एनर्जी का फीड जब भी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ये वर्ड आपको इससे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एनर्जी फीडिंग जो वर्ड है यहाँ यूज हो रहा है करंट, आरएफ करंट के फ्लो होने से, यानी उस पर्टिकुलर एंटीना में आरएफ करंट इंड्यूस करने से, आरएफ करंट देने से। तो जितने भी एंटीनाज हैं वहां, ग्रुप ऑफ एंटीना जिसको हम एरे बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर एंटीना में आप एनर्जी को फीड करें। ठीक है, एनर्जी को फीड करने के लिए एक पर्टिकुलर एंटीना होता है जिसे को हम ड्राइवन एलिमेंट बोलते हैं, और कुछ ऐसे एंटीनाज भी होते हैं इसी ग्रुप ऑफ एंटीना में जिसमें हम डायरेक्ट एनर्जी को फीड नहीं करते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस एरे में उनका कोई काम नहीं होता। इस एरे को डायरेक्शनल नेचर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन डायरेक्ट हम एनर्जी फीड उसमें नहीं कराते। तो किसी भी एंटीना एरे में वो एलिमेंट्स जिसमें डायरेक्ट एनर्जी को फीड नहीं कराया जाता, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एंटीनाज को, ऐसे रेडिएटर्स को हम पैरासिटिक एलिमेंट्स या पैरासिटिक रेडिएटर्स या पैरासिटिक एंटीनाज कहते हैं। ठीक है, ये वाली फिगर जब आप हम स्टडी करेंगे आगे, ये वाली फिगर, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो पहले हम इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं और फिर हम इस फिगर पे आएंगे, और यहाँ से आपको पैरासिटिक एलिमेंट्स और अच्छे से क्लियरली आपको पता लगेगा कि हाँ पैरासिटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो मॉड्यूलेटेड वेव है, वो जरूरी नहीं है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे में उन सबको ट्रांसमीटर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, ये जरूरी नहीं है। ओके, ऑल्दो दिस डज, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ट्रांसमीटर के आउटपुट को हम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे को सप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, ये हो सकता है, पर हम ऐसा करते नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे टू बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर विच इज अ मॉड्यूलेटेड आउटपुट। ऑल्दो दिस डज इन फैक्ट हैपन इन क्वाइट नंबर ऑफ एरेज, अ रेडिएटिंग एलिमेंट इन एन एरे विच इज डायरेक्टली कनेक्ट विद द ट्रांसमीटर इज कॉल्ड ड्राइवन एलिमेंट। इस बात को आपको ध्यान रखना है दैट किसी भी एरे में वो एलिमेंट जो डायरेक्ट ट्रांसमीटर के आउटपुट से कनेक्ट है उसको हम ड्राइवन एलिमेंट बोलते हैं। वेयर एन एलिमेंट नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड ए पैरासिटिक एलिमेंट। और जो ट्रांसमीटर के आउटपुट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है दैट एलिमेंट इज नोन एज, और दैट एंटीना और दैट रेडिएटर इज नोन एज पैरासिटिक एलिमेंट, उसको हम पैरासिटिक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, सच ए पैरासिटिक एलिमेंट रिसीव्स एनर्जी। अब देखिए, अगर आपने एंटीना को लगाया है किसी एंटीना एरे में,
तो वो वर्क तो जरूर करेगा ना। अब उसकी वर्किंग समझिए कि हालांकि उसको डायरेक्ट फीड नहीं दिए जा रहा है, डायरेक्ट वो ट्रांसमीटर से कनेक्ट नहीं है, पैरासिटिक एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, है वो एंटीना ही, इसी ग्रुप का एंटीना है, लेकिन बस इतना अंतर है कि उसको डायरेक्ट फीड नहीं किया गया है, डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई नहीं की गई है, डायरेक्ट करंट सप्लाई नहीं किया गया है बाय द ट्रांसमीटर। अब वो वर्क कैसे करेगा उसको समझ लीजिए, ये रखा क्यों गया जब इसको डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी जा रही थी तो ये रखा क्यों? क्योंकि देखिए ड्राइवन एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, वो एलिमेंट जिसको आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया है ट्रांसमीटर के आउटपुट से, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट तो केवल उसी में फ्लो होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट तो उस केवल उसी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो एमिट करेगा वो केवल ड्राइवन एलिमेंट करेगा, बाकी एलिमेंट नहीं करेंगे, बाकी एलिमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए तो उसको पैरासिटिक बोल रहे हैं हम। ड्राइवन एलिमेंट जो ड्राइव करे, किसको ड्राइव करे, करंट को ड्राइव करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करे, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एंटीना को, ऐसे रेडिएटर को हम ड्राइवन एलिमेंट कह रहे हैं। ओके, सो सच ए पैरासिटिक एलिमेंट, तो इसका काम क्या हुआ? जब इसको हम ना डायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं, ट्रांसमीटर से कनेक्टेड नहीं है, तो एंटीना एरे में रखा क्यों है? रखा इसलिए, देखिए, सच अ पैरासिटिक एलिमेंट रिसीव्स एनर्जी थ्रू द इंडक्शन फील्ड क्रिएटेड बाय द ड्राइवन एलिमेंट। ये काम है, इंडक्शन की फिनोमिना आप पढ़ के आए हो, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस है। सच अ पैरासिटिक एलिमेंट रिसीव्स एनर्जी, देखिए एनर्जी कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स, चूंकि हमारा जो एंटीना है वो आइसोट्रोपिक है, एक अकेला एंटीना, सिंगल एंटीना आइसोट्रोपिक नेचर का है, उसका पैटर्न आइसोट्रोपिक है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट नहीं करेगा, बल्कि जितनी भी डायरेक्शंस पॉसिबल है उन सभी डायरेक्शंस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करेगा। लेकिन ये जो पैरासिटिक एलिमेंट, और आगे आप पढ़ेंगे डायरेक्टर रिफ्लेक्टर, इनका काम यही है कि उस जो वो जो इसकी आइसोट्रोपिक नेचर है, आइसोट्रोपिक पैटर्न है, उसको यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल नेचर में कन्वर्ट करना। ओके, सो सच ए पैरासिटिक एलिमेंट रिसीव्स एनर्जी थ्रू द इंडक्शन फील्ड क्रिएटेड बाई द ड्राइवन एलिमेंट। ड्राइवन एलिमेंट इसलिए इंडक्शन फील्ड क्रिएट करेगा क्योंकि एनर्जी इसी के पास है, करंट इसी के पास है। ओके, एज अ जर्नलाइजेशन ए पैरासिटिक एलिमेंट लॉन्गर देन द ड्राइवन एलिमेंट एंड क्लोज टू इट रिड्यूसिज सिग्नल स्ट्रेंथ इन इट्स वोन डायरेक्शन एंड इंक्रीज द अपोजिट डायरेक्शन। तो जर्नलाइजेशन अगर आप करें, एक ऐसा पैरासिटिक एलिमेंट जो लेंथ में ड्राइवन एलिमेंट से ज्यादा हो और इसके बहुत नजदीक हो, तो वो जो जिसको हम ऐसा पैरासिटिक एलिमेंट जो लेंथ में ड्राइवन एलिमेंट से ज्यादा हो और अपनी डायरेक्शन में एनर्जी को रिड्यूस करे, सिग्नल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करे, और अपोजिट डायरेक्शन में उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, इस तरह के जो ड्राइवन पैरासिटिक एलिमेंट है इसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। रिफ्लेक्टर, ये फिगर रखो, आप समझने का टाइम आ गया है। ये है मेरे पास रेडिएटर, रेडिएटर का मतलब ये हुआ, ये है मेरा ड्राइवन एलिमेंट, ये है मेरा ड्राइवन, ड्राइवन एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि इसी एलिमेंट में, इस एंटीना में, ये एक एंटीना एरे मान लीजिए, इस एंटीना में, अभी एरे तो नहीं है पर आप मान सकते हैं, ये दोनों एरे अभी इस पे, चूंकि हमें अभी ध्यान देना है केवल इन दोनों पर, तो एक ये मेरा ड्राइवन एलिमेंट है, ये इसमें एनर्जी को फीड किया गया है, एनर्जी यानी करंट, आरएफ करंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट जब फ्लो होगा तो इसका इंडक्शन फील्ड बनेगा, इंडक्शन फील्ड बनेगा तो ये जो एलिमेंट है, इसी एरे का ये एलिमेंट है जो लेंथ में रेडिएटर यानी ड्राइवर एलिमेंट से ज़्यादा है। देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 0.55 लैम्डा, और इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 लैम्डा। ओके, तो ये जो है, ये इसको हम रिफ्लेक्टर कह रहे हैं।
और ये एक पैरासिटिक एलिमेंट है, यानी इसमें डायरेक्ट एनर्जी को फीड नहीं किया जाता। ये ड्राइवन एलिमेंट है, इसमें डायरेक्ट एनर्जी को फीड किया जाता है। लेंथ में पैरासिटिक एलिमेंट रेडिएटर से कम होता है, और ये क्या करता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होगा, चूंकि ड्राइवन एलिमेंट के पास एनर्जी है, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होगा, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरफ जाएंगी, यहाँ इस पैरासिटिक एलिमेंट की तरफ, ये उन्हें के साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये एक कॉनकेव मिरर हो, तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इसी ड्राइवन एलिमेंट की साइड आ जाएंगी। तो जो जो आइसोट्रॉपिक नेचर थी, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गई इस पैरासिटिक एलिमेंट की तरफ, इसने उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये उसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इसी कारण हम इसको रिफ्लेक्टर कह रहे हैं। रिफ्लेक्टर इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ये इस तरह से बिहेव करता है, इट एक्ट्स इन अ मैनर सिमिलर टू कॉनकेव मिरर इन ऑप्टिक्स एंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। तो ये क्या करता है, यहां से चलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इसके पास पहुंचती हैं तो ये इनको इसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है। तो अब ये जो इसका बाय ये जो नेचर था, ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी इस तरफ जाएंगी रिफ्लेक्टर की साइड, वो रिफ्लेक्ट होकर इस ड्राइवन एलिमेंट की साइड पे आ जाएंगी वापस, इस ड्राइवन एलिमेंट की, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरह से एमिट करेगा या इस तरह से एमिट करेगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम डायरेक्टर कह रहे हैं। अब डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर जो है वो रेडिएटर से लेंथ में कम होता है। देखिए इसकी लेंथ चेक कीजिए 0.5 और इसकी लेंथ चेक कीजिए 0.45 लैम्डा। तो ये जो एलिमेंट है ये ड्राइवन एलिमेंट से लेंथ में कम होता है, ठीक है, और ये भी एक पैरासिटिक एलिमेंट है। ये देखिए ये भी एक पैरासिटिक एलिमेंट है। पैरासिटिक एलिमेंट जैसे ही वर्ड आया तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें भी कोई डायरेक्ट एनर्जी का फीड नहीं होगा, यानी इसको डायरेक्ट कहीं से एनर्जी सप्लाई नहीं हुई होगी, इसको कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं हुई होगी। और इसको डायरेक्टर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेंगी, ये जो पैरासिटिक एलिमेंट है जिसको हम डायरेक्टर कह रहे हैं, जो लेंथ में रेडिएटर से कम है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये लेंस बोल रहा हूं मैं, मिरर नहीं बोल रहा हूं, मिरर की तरह रिफ्लेक्टर, इसी कारण तो इसका नाम रिफ्लेक्टर है, इसका नाम डायरेक्टर है। डायरेक्ट करेगा, वेव को डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इसकी तरफ आएंगी उनको कॉन्वेक्स लेंस की तरह किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। तो चूंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टर कर रहे हैं, डायरेक्टर कह रहे हैं। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम भी क्या है, बहुत सारी जो ऑप्टिक्स में लाइट वेव्स आ रही हैं किसी एक पॉइंट पर उनको कन्वर्ज कर देना, यही काम है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इस तरह के एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे, फ्रिक्वेंटली स्टडी करेंगे, इतने सारे स्टडी करेंगे तो आपको जैसे आप एक दो एग्जांपल स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पैरासिटिक एलिमेंट है, ये ड्राइवन एलिमेंट हो, तुरंत आप फिगर देख के समझ आया करेंगे कि अच्छा इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये हुआ हमारा ड्राइवन एलिमेंट, अच्छा इससे ये लेंथ में ज़्यादा है और इसके ये रिफ्लेक्टर का, अच्छा ये रिफ्लेक्टर हुआ, अरे इससे ये लेंथ में कम है और इस तरफ है तो ये डायरेक्टर हुआ। जैसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जो बार बार हम कह रहे हैं, जैसे आगे उड़ा एंटीना, वहाँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा पैरासिटिक एलिमेंट है, कौन सा इनमें ड्राइवन एलिमेंट है, किसका क्या काम होगा, ये सब आपको समझ में आने वाला है। ओके, सो डायरेक्टर के बारे में बता देते हैं, ए पैरासिटिक एलिमेंट शॉर्टर देन ड्राइवन एलिमेंट फ्रॉम विच इट रिसीव्स एनर्जी tends to increase the radiation in its own direction and therefore behaves like a convergent convex lens which is called radiator। देखिए ये लेंस कह रहे हैं, इसको रिफ्लेक्टर कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्टर है तो वापस भेज देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वापस नहीं भरेंगे हमें तो यहाँ डिस्टेंटेड पार्ट तक, किसी एक मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजना चाहते हैं तो ये लेंस होगा तभी तो आगे जाएंगी,
मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लाइट रेज आप जानते हैं, जो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ही पहुंचता है, तो अगर यहाँ रिफ्लेक्टर हम लगा देते तो वापस यहाँ चली जाती, यहाँ से वापस यहाँ, यहाँ से वापस, वो कहीं जा ही नहीं पाती। इस कारण इसका जो बिहेवियर है वो रहता है कॉन्वेक्स लेंस जैसा, और इस पैरासिटिक एलिमेंट का बिहेवियर रहता है एक रिफ्लेक्टर जैसा। सो ये हुई कहानी पैरासिटिक एलिमेंट की। ओके, नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एरे। ओके, तो एरे को हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ब्रॉड साइड एरे, ब्रॉड साइड एरे, ठीक है। अब ब्रॉड साइड एरे और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एरे का वो है एंड फायर एरे, एंड फायर एरे, ठीक है। अब ब्रॉड साइड एरे और एंड फायर एरे किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्यों हम इनको ब्रॉड साइड कह रहे हैं, क्यों हम उसको एंड फायर कह रहे हैं, ये सब हम इस टॉपिक में समझेंगे, जानेंगे। ओके, देखिए ब्रॉड साइड एरे का जब भी कंस्ट्रक्शन आपको करना हो तो आप क्या करेंगे कि बहुत सारे एंटीनाज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी पर्टिकुलर प्लेन में, चूंकि सिंपलेस्ट हम एरे डिस्कस कर रहे हैं तो हम वन डायमेंशनल एरे ही स्टडी करेंगे और वहीं से हम समझेंगे कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये ब्रॉड साइड एरे है, कैसे हम कह रहे हैं कि ये एंड फायर एरे है। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही स्टडी करेंगे। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ये सब आइसोट्रोपिक एंटीनाज हैं, ठीक है। और चूंकि जो बेसिक अजम्पशन हैं वो बिल्कुल वही रहनी चाहिए, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देख रहे होंगे लैम्डा बाई टू, 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 और ये एक ट्रांसमीटर है जिसके आउटपुट से ये कनेक्ट है। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्राइवन एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन करंट के साथ एक कंडीशन लगी है। कंडीशन ये है कि इन एलिमेंट्स में जो करंट फ्लो हो रही है, इन एंटीनाज में जो करंट फ्लो हो रही है, वो एक ही करंट फ्लो हो रही है। यानी इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रही है और इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर इस एलिमेंट या इस एलिमेंट के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है, इस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है और इस एलिमेंट में करंट, इन दोनों करंट्स में भी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। यानी इन जितने भी यहाँ ये एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, जितने एंटीनाज इस एरे में नजर आ रहे हैं, इन सब में जो करंट फ्लो हो रही है, इन करंट्स के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस अगर नहीं है, तो एंटीनाज के इस अरेंजमेंट को, जो कि एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसको हम ब्रॉड साइड अरेंजमेंट कहते हैं, ब्रॉड साइड अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस। द सिंपलेस्ट एरे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डायपोल्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वली स्पेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कोलिनियर विद ऑल डायपोल्स फेड इन द सेम फेज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सेम फेज। जितने भी एलिमेंट्स को यहाँ यूज किया गया है, वो जो उनकी फीडिंग की गई है, जो करंट उन्हें सप्लाई किया गया है, वो एक ही फेज का करंट है। फ्रॉम द सेम सोर्स सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड ब्रॉड साइड एरे एंड इज शोन देयर। ओके, द ब्रॉड साइड एरे इज स्ट्रॉन्गली डायरेक्शनल एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द एरे। ये अगर प्लेन ऑफ एरे आप मानते हैं, ये जहां वो अरेंज है, तो जो 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 इसका रेडिएशन पैटर्न होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, वो यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल नेचर का, इस डायरेक्शन में वो सब के सब जो 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 उनका टोटल इफेक्ट होगा, जिसको हम वेक्टर सम ऑफ रेडिएशन या वेक्टर सम, जो इसका रिजल्टेंट पैटर्न होगा, वो जिस प्लेन में ये एरे अरेंज होगा उसके राइट एंगल होगा, ऐसे
जैसे स्पैन का डायरेक्शन है, अगर अगर इस कागज के प्लेन में आपने एंटीनाज को इस तरह रखा हुआ है, तब जब उन एंटीनाज में एक ही फेज की करंट फ्लो होगी तो जो एंटीना का रेडिएशन पैटर्न होगा वो स्पैन के डायरेक्शन में होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन और राइट एंगल टू द प्लेन इन विच ऑल दीज एंटीनाज आर अरेंज्ड इन एन एरे. Okay, so in broadside array, which is strongly directional at right angles to the plane of the array, while radiating very little in the plane. Okay, इस तरह से ये जो है ये जो छोटे lobes हैं, इस तरह ये small जो lobes जिनको हम side lobes भी कहते हैं, और ये जो major lobes हैं ये वाला लोब और ये वाला लोब, एक्चुअली ये इस कागज के प्लेन के इस तरह परपेंडिकुलर है, यहां बनेगा ये लोब, ये ऐसे, और एक ठीक इसके अपोजिट, ठीक है. और जो प्लेन में लोब होंगे ये छोटे होंगे. ये लोब क्या दिखाता है, ये थ्रो दिखाता है, पावर का थ्रो किसी भी पर्टिकुलर एंटीना का किस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ये लोब उसी डायरेक्शन को दिखाता है. तो अगर प्लेन के इस पेपर के प्लेन में ये एरे अरेंज है तो जो लोब का मैक्सिमम जो मेजर लोब की डायरेक्शन रहेगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी. ओके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी मेजर लोब की डायरेक्शन, और जो माइनर लोब होंगे या साइड लोब होंगे वो यहां इस प्लेन इस कागज के प्लेन में होंगे, यहां कहीं रेडिएट कर रहे होंगे. और रेडिएशन को भी आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम रेडिएशन हुआ है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस एरे इज अरेंज्ड. और जो ये माइनर लोब्स हैं ये इस प्लेन में रेडिएशन को दिखा रहे हैं, इस प्लेन में रेडिएशन को दिखा रहे हैं. ओके, सो द ब्रॉड साइड एरे इज स्ट्रॉन्गली डायरेक्शनल, और यही तो हम चाहते थे. जो आइसोट्रोपिक नेचर थी एंटीना की, जो हमारे पास आइसोट्रोपिक एंटीना थी उसकी जो ओमनी डायरेक्शनल नेचर थी, जो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न का जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा था वो डायरेक्शनल हो जाए, यही इसी कारण तो हम एरे लेके आए, इसी कारण तो ये टॉपिक एरे एंटीना एरे हमारी स्टडी में आया. सो द ब्रॉड साइड एरे इज स्ट्रॉन्गली डायरेक्शनल at right angle to the plane of the array while radiating very little in the plane. If some point is considered along the line perpendicular to the plane of the array, it is seen that this distant point is virtually equidistant from all the dipoles forming the array. यहाँ ये कागज के प्लेन में एरे है, यहाँ एयर में, यहाँ जहाँ पेन है, एयर में कोई पॉइंट ले लीजिए तो ये पॉइंट इससे भी उतनी डिस्टेंस पे, चूंकि ये डिस्टेंटेड पॉइंट है तो इससे भी इतनी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से भी यहां 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 कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए एयर में, यहां क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन इसका, इस प्लेन के जिसमें एंटीना को अरेंज किया गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहां कोई वर्चुअल पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट इस तरह का पॉइंट है कि ये पॉइंट इस एंटीना से भी उतनी डिस्टेंस पे, इस एंटीना से भी उतनी डिस्टेंस पे, इस एंटीना से भी उतनी डिस्टेंस पे, इस एंटीना से भी, और इन सब एंटीना से उतनी ही डिस्टेंस पे है. ओके, द इंडिविजुअल रेडिएशंस ऑलरेडी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दैट डायरेक्शन आर रीइंफोर्स्ड, और चूंकि इस डायरेक्शन में मेजर लोब है तो इसका मतलब जो रेडिएशन का पावर होगी इस डायरेक्शन में, रेडिएशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और ये भी उसी डायरेक्शन में रेडिएट करेगा, ये भी उसी डायरेक्शन में रेडिएट करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो जो एक्चुअल पैटर्न होगा, जो टोटल रेडिएशन होगा, जो टोटल रेडिएशन स्ट्रेंथ होगी इस डायरेक्शन में वो रीइंफोर्स्ड हो जाएगी, रीइंफोर्स्ड हो जाएगी. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन देयर इज अ लिटिल रेडिएशन बिकॉज द डायपोल्स डू नॉट रेडिएट इन द डायरेक्शन विच दे आर पॉइंट. टिपिकल एंटीना लेंथ इन द ब्रॉड साइड एरे फ्रॉम 2 to 10 वेवलेंथ्स एंड टिपिकल स्पेसिंग इज आर लैम्बडा बाई 2 to लैम्बडा. तो जो वेवलेंथ रहेगी, जो एंटीना की जो लेंथ रहेगी वो 2 to 10 वेवलेंथ्स रह सकती है, 2 to 10 लैम्बडा के, इनकी जो
लेंथ रहेगी, एंटीना की जो लेंथ रहेगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो या तो आप लेमडा बाई टू, सबसे अच्छा है लेमडा बाई टू या मैक्सिमम आप लेमडा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड डजन्स ऑफ एलिमेंट्स मे बी यूज इन वन एरे। नोट दैट एनी एरे विच इज डायरेक्शनल एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द एरे इज सेड टू बी ब्रॉड साइड। इसी कारण इसका नाम ब्रॉड साइड है, ओके, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट, इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो परपेंडिकुलर उस प्लेन के है जिस प्लेन में इन इस एरे को अरेंज किया गया है, ओके। नाउ इट्स टाइम टू मूव द नेक्स्ट वन विच इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एन एरे एंड विच इज एंड फायर एरे। ठीक है, एंड फायर एरे और ब्रॉड साइड एरे में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, और बेसिक डिफरेंस ये है कि ये फिर से वही एंटीना का अरेंजमेंट है, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग यहाँ हमने किया है। अलग ये है कि ये कुछ फेज शिफ्टर यहाँ लगाए गए हैं। ये देखिए, ये क्या है, फेज शिफ्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसमीटर है, ये वही है, ये सब अरेंजमेंट वही है, बस ये हमने थोड़ा सा अलग यहाँ कुछ किया है। और इस अलग करने का मतलब ये है, यही अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, जो ये बाई डायरेक्शनल नेचर थी ना, ये बाई डायरेक्शनल नेचर जो थी, ये जो रेडिएशन पैटर्न की बाई डायरेक्शनल नेचर थी, इसको यूनि डायरेक्शनल नेचर को कन्वर्ट करेगा। एक्चुअली एंड फायर एरे और ब्रॉड साइड एरे अरेंजमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एंड फायर अरेंजमेंट एरे में जो करंट सप्लाई की जाती है, जो एनर्जी फीड की जाती है किसी भी एलिमेंट में, वो दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ उनके बीच में फेज डिफरेंस रखा जाता है। यानी अगर इस करंट में, इस एलिमेंट में कोई करंट फ्लो हो रही है तो जरूरी नहीं है कि उसी करंट को इस एलिमेंट में फ्लो, क्योंकि ये फेज शिफ्टर का काम ही यही है। यहाँ से जो करंट आएगी इसमें अलग जाएगी, यहाँ से जो करंट आएगी इसमें फेज शिफ्ट के साथ करंट जाएगी, फिर इसमें अलग फेज शिफ्ट के साथ, इसमें अलग फेज शिफ्ट के साथ, इसमें अलग फेज शिफ्ट के साथ, ये चलता रहेगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है इस अरेंजमेंट में और ब्रॉड साइड अरेंजमेंट में वो यही है कि ब्रॉड साइड अरेंजमेंट में जितने एलिमेंट्स, जितने रेडिएटर्स, जितने एंटीनाज वहाँ अरेंज किए गए हैं उस एरे में, उन सब में एक जैसा करंट फ्लो होता है, सेम फेज का करंट फ्लो होता है। और एंड फायर अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स में, जो एंटीनाज में करंट फ्लो होता है वो अलग अलग फेज डिफरेंस के साथ फ्लो होता है। That is the basic difference between the end fire array and the broadside array. Okay, so let's study this end fire array. The physical arrangement of the end fire array, physical arrangement. Okay, not circuital arrangement. The physical arrangement of the end fire array is almost the same as that of the broadside array. Although the magnitude of the current in each element is still same. मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज स्टिल सेम बट विद फेज डिफरेंस। ये यहाँ देखिए, ये सेम फेज, मैग्नीट्यूड इक्वल, फेज इक्वल, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम बट विद अ फेज डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस है एंड फायर एरे में, और यही बेसिक डिफरेंस एंड फायर अरेंजमेंट को एक यूनिडायरेक्शनल नेचर का बनाएगा, ओके। The pattern of the end fire array as shown in this figure is quite different from the broadside array. It is in the plane of the array, not a right angle to it, and is unidirectional rather than bidirectional. ये perpendicular नहीं रहता, बल्कि इसी plane में, जिस plane में arrangement किया गया है, जिस plane में array है, इसी paper के plane के किसी एक direction में ये pattern, ये major lobe है, ये माइनर लोब है, और आप ये देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में कोई भी पावर ऑफ पावर या स्ट्रेंथ एनर्जी फ्लो नहीं करती, केवल इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के अरेंजमेंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल नेचर का है। और इसमें जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है रेडिएशन का, ये
परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, इस तरह से नहीं है, इन टू द इसी प्लेन, इसी कागज के प्लेन में है, इसी कागज के प्लेन में है, ओके okay? और यूनिडायरेक्शनल है, बाईडायरेक्शनल नहीं है, ओके okay? नोट दैट एनी एरे विद दैट पैटर्न अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एंड फायर एरे। ये ट्रांसमीटर है, यहां से करंट जा रहा है, ये फेज शिफ्टर है, फेज शिफ्टर का काम ही फेज शिफ्ट करना है, तो यहां जो करंट जाएगी वो अलग जाएगी, यहां जो करंट जाएगी अलग फेज अलग जाएगी, यहां अलग, यहां अलग, यानी फेज शिफ्ट के साथ करंट जाती है, और इस तरह का रेडिएशन पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज अबाउट द एंड फायर एरे, ओके। तो इस टॉपिक को समराइज कर देते हैं, और समराइज करने में हमने इस टॉपिक में अभी तक जो स्टडी किया है वो हमने स्टडी किया है एरे क्या होता है, एंटीना एरे क्या होता है, एंटीना एरे की हमें ज़रूरत क्यों हुई, एंटीना एरे की फॉर्मेशन की बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, एंटीना एरे क्या होता है, किस तरह से हम एंटीना एरे को वन डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं, पैरासिटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंटीना का ब्रॉडसाइड एरे अरेंजमेंट क्या होता है, एंड फायर अरेंजमेंट क्या होता है, ये सब हम स्टडी करके आते हैं। सो दिस टाइम टू कंक्लूड दिस टॉपिक, ओके। सो बोथ द एंड फायर एंड द ब्रॉडसाइड एरे और आर कॉल्ड लीनियर, और बोथ आर रेजोनेंट सिंस दे कंसिस्ट द रेजोनेंट एलिमेंट्स, ओके। सिमिलरली एज विद हाई क्यू रेजोनेंट सर्किट, हाई क्यू रेजोनेंट सर्किट कौन से होते हैं, जिनका Q वैल्यू बहुत हाई हो। Q वैल्यू हाई होने से क्या मतलब है कि जब रेजोनेंट सर्किट LC सर्किट की अगर आप बात करें या किसी भी रेजोनेंट सर्किट की आप बात करें, तो अगर किसी सर्किट का Q वैल्यू हाई है, Q वैल्यू हाई होने का मतलब यह है कि उस सर्किट की जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी, यानी कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप उस सर्किट को किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड कर सकते हैं। जो ट्यून्ड सर्किट होते हैं ना उनकी क्यू वैल्यू बहुत कम होती है, जो ट्यून्ड सर्किट होते हैं उनकी क्यू वैल्यू बहुत कम होती है, चूंकि हम ये जो ब्रॉड साइड अरेंजमेंट है या एंड फायर अरेंजमेंट है इसको एक रेजोनेंट सर्किट या रेजोनेंट एलिमेंट कह रहे हैं, और जिन रेजोनेंट एलिमेंट की हाई होती है क्यू वैल्यू उनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है। बैंडविड्थ कम होने से मतलब वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकते हैं, किसी एक फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि वो इतनी नैरो उनकी बैंडविड्थ हो जाती है कि वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो देखिए। एज विद एनी हाई क्यू रेजोनेंट सर्किट बोथ एरेज हैव अ नैरो बैंडविड्थ, ये पक्का है, जब भी क्यू वैल्यू हाई होगी किसी भी रेजोनेंट सर्किट की उसकी बैंडविड्थ हमेशा कम होगी, क्यू वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी। विच मेक्स ईच ऑफ देम, यानी ब्रॉडसाइड भी और एंड फायर भी, विच मेक्स ईच ऑफ देम पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन। सिंगल फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन करना कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, बट नॉट सो यूजफुल फॉर रिसेप्शन। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन में तो हम डीमोडुलेशन के प्रोसेस में पढ़ के आए हैं कि वहां तो इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज एनवायरनमेंट में उसके उस रिसीवर के चारों तरफ रहती हैं, उसको एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वहां से चूज करनी होती है। तो ट्रांसमिशन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है ठीक है, एरे यूज कर दीजिए। लेकिन रिसेप्शन के केस में जहां बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चूज करना पड़े, तो वो उस समय ये जो एरे हैं वो काम उतनी सुटेबिलिटी के साथ नहीं कर सकते, ओके। सो बट नॉट सो यूजफुल फॉर रिसेप्शन वेयर द रिक्वायरमेंट इज जनरली द एबिलिटी टू रिसीव ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को चूज करना होता है। जो RF एम्पलीफायर हम स्टडी करके आए हैं डीमोडुलेशन के प्रोसेस में, डीमोडुलेशन के जब आप डायग्राम स्टडी करें तो जो रिसीवर है उसके सामने वाला जो सबसे पहला सर्किट है वो RF एम्पलीफायर है, और RF एम्पलीफायर का काम ये होता है कि जितनी उस टावर के आसपास, जितनी उस एंटीना के आसपास फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं उनमें से एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी को चूज करे, नहीं तो मिरर इमेज, जो मिरर फ्रीक्वेंसी वाली जो प्रॉब्लम हम स्टडी करके हैं, इमेज फ्रीक्वेंसी वाली जो प्रॉब्लम हम स्टडी करके हैं वो बन जाएगी वहां,
क्योंकि ऑसिलेटर को नहीं पता कि ऑसिलेटर का तो ये देखता है कि हाँ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इसलिए तो हाई की जाती है वहाँ, वो हालांकि अलग एक डिस्कशन है, पर फिर भी ये जो एरे हैं चाहे वो ब्रॉड साइड हो चाहे एंड फायर एरे हो, आप इनको ट्रांसमीटर के सर्किट में या ट्रांसमीटर के टावर में तो आराम से ये बहुत अच्छा काम करेंगे, यूनिडायरेक्शनल है, आराम से बहुत दूर तक उस पावर को थ्रो कर पाएंगे, डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक। लेकिन रिसेप्शन के केस में ये उतने मददगार साबित नहीं होते। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीना एरे, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना, ऑल्दो वी वर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मार्कोनी एंड हर्ट्ज एंटीना, बट रेस्ट ऑफ एंटीनाज, यागी उड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना, लूप एंटीना, लीनियर एंटीना, डिस एंटीना, हॉर्न एंटीना, ये सब हम वहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।